हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सोजत रोड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाली हाई प्रोफाइल गैंग का सोजत रोड पुलिस ने किया खुलासा। गैंग सरगना सहित 4 गिरफ्तार मुख्य आरोपी को सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़ टीम द्वारा 2000 किलोमीटर पीछा कर गुड्डर आंध्र प्रदेश से ट्रेन से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। पाली जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोगी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह, सोजत DYSP डॉक्टर हेमंत कुमार के सुपरविजन में चेनाराम पटेल के अपहरण व फिरौती मांगने के प्रकरण में सोजत थाना अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी, सोजत रोड थाना अधिकारी सीमा जाखड़ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा मुख्य आरोपी सहित 4 को गिरफ्तार किया गया। अभी 11 अक्टूबर को चेनाराम पुत्र श्री चेनाराम जाति पटेल, इन्होंने एक FIR दर्ज करवाई थी कि साहब मेरा 10 तारीख को रात को 12:45 बजे के लगभग, ये एक्चुअली बिराड़ा के निवासी हैं लेकिन अभी यहाँ पे शिव कॉलोनी सोजत रोड में रहते हैं, इन्होंने कहा कि जब मैं मेरे घर आ रहा था तो 3 गाड़ियों मुझे आगे पीछे से रोक करके, जिसमें कि 8-10 लोग थे जिनका नेतृत्व राजू इनानिया और अशोक बिश्नोई, जिसको SL के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने मेरा किडनैप किया और किडनैप करने के बाद मुझे मेड़ता क्षेत्र में ले गए और 1 करोड़ रुपये की फिरौती मुझसे मांगी। तब मैंने वहाँ उस इलाके में रहने वाले मनीष जाट जो कि मेरे मित्र थे उनकी मदद से 70 लाख रुपए में मैंने तय किया और 7 लाख रुपए उनको एडवांस दे दिए और तब मैं छूट पाया। इस मामले में श्रीमान SP साहब को निवेदन किया गया, श्रीमान SP साहब एडिशनल SP साहब ने पूरी तरह से सुपरवाइज करके और निर्देशित करके 2 टीमें गठित की, जो SHO सोजत सिटी रामेश्वर जी और सोजत रोड SHO सीमा जी को 2 टीमें बनाई और इन्होंने दिन रात एक करके आसूचना एक इनानिया है जो जयपुर से उसने कोई टिकट बनवाया है और वो त्रिवेंद्रम की किसी ट्रेन में यात्रा कर रहा है। लगातार इंटेलिजेंस और साइबर की हेल्प से हमने उसकी लोकेशन ट्रेस आउट की और RPF आंध्र प्रदेश की मदद से उसको हमने नेल्लोर गुंडूर से डिटेन करवा दिया। यहाँ से हमारी टीम गई और उसको मैं लेकर के आई, उससे पूछताछ करने के बाद में 4 और लोग नामजद हुए। इस तरह से इस प्रकरण में अब तक 8 लोगों का नाम सामने आ गया, जिनमें से 4 को अरेस्ट हमने अब तक कर लिया है और बाकी का भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जागरूक टीवी के लिए सोजत रोड से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।